पूरे देश में आज दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सितारे दिवाली के लिए काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। ऐसे में इस बार भी बॉलीवुड सितारों ने धूमधाम से दिवाली को सेलिब्रेट किया। एक तरफ जहां बॉलीवुड में कई पार्टीज हो रही हैं और सितारे दिवाली पार्टीज को अटेंड कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा इस बार दिवाली विदेश में मना रही है। प्रियंका अपने पति और पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। हाल में प्रियंका ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि प्रियंका विदेश में भी रहकर दिवाली का सेलिब्रेशन करना नहीं भूली है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में प्रियंका और उनके दोस्त दिख रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में प्रियंका और निक जोनस साथ में नजर आ रहे हैं। निक के साथ प्रियंका पोज देते हुए दिखाई दे रही है। वही तस्वीर में प्रियंका ने साड़ी पहन रखी है। इसके अलावा उनके कानों में बड़े बड़े झुमके नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देसी अंदाज में सज धज कर प्रियंका विदेश में दिवाली का त्योहार मना रही है। प्रियंका ने एक और पिक्चर शेयर की है। इस पिक्चर में प्रियंका का घर नजर आ रहा है जहां वह इस बार दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। खास बात यह है कि इस घर को पूरी तरह से सजा दिया गया है। घर के बाहर और चारों ओर लाइट नजर आ रही है। जिस तरह दिवाली आने पर हम अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह प्रियंका ने विदेश में भी अपने उसी घर को सजाया है जहां वे अपने दोस्तों और पति के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं। प्रियंका ने अपने घर में दिवाली की पूजा भी की है जहां वे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करती नजर आ रही हैं। उन्होंने इंस्टा स्टोरी में उनकी तस्वीर शेयर की है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका अपनी संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल भी भूली नहीं है। वह चाहे जहां भी रहे लेकिन वह अपना देश और देसी गर्ल का वो अंदाज नहीं भूल सकती है। वैसे भी प्रियंका विदेश में रहकर भी अपना हर भारतीय त्योहार अच्छे से मनाती है। बीते दिनों ही उन्होंने पति के साथ अपना पहला करवा चौथ भी सेलिब्रेट किया था। और ये लीजिए प्रियंका की ये पहली दिवाली है और इस पहली दिवाली को भी वह बेहद ही खास तरीके से मना रही है। अगर आपको भी प्रियंका का ये अंदाज अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।